वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। Hey, what is up everybody and welcome back to another video। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में। तो वैलेंटाइंस डे साल का वो इकलौता दिन है जिस दिन प्यार का नंगा नाच होता है। समझ रहे हो, नंगा नाच मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, सब लोग के अंदर का प्रेमी अचानक से जाग जाता है। वो दोस्त जो आपको पूरे साल बोलेगा अरे भाई ये सब में मत पड़ यार, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ब्रो, तो काम पे ध्यान देना अपना, ये सब मत पढ़। वो भी साला गटर के पास वाले गार्डन में पाया जाएगा किसी के साथ छतरी के अंदर और हमें साला ज्ञान देता है मत पढ़ो लड़कियों वाली चक्कर। अबे सड़े लंडा फेंक के मार साले को। पता नहीं क्या हो जाता है इन लोग को यार, मतलब सालों की अंतरात्मा जाग जाती है उस दिन। अब कुछ लोग तो इतने आगे निकले हुए होते हैं कि भाई सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए डेट ढूंढते, मतलब कतई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, बट सिर्फ एक दिन के लिए। ये अद्भुत प्राणी इस कर्म को प्यार से बुलाते हैं वैलेंटाइंस डेट। साला अगर ऐसा ही है तो फादर्स डे के लिए जाकर ढूंढो ना एक दिन के लिए बाप, क्यों मजा नहीं आएगा। साले वैलेंटाइंस डे का कचरा करके रखते हैं ये लोग। वैलेंटाइंस डे इज अबाउट लव, प्यार। ओहो, एक दिन जो आप आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिताओ और एक दूसरे को प्यार जताओ, आइसक्रीम खाओ, जन्मों जन्मों साथ जीने मरने के वादे करो, एक दूसरे को आई लव यू फॉर एवर बोलो। बट घंटा 2 दिन बाद साले यही लोग किसी और के साथ गटर के पीछे वाले गार्डन में छतरी के नीचे पाए जाएंगे। अब देखो कुछ लोग का फंडा बहुत सिंपल है, उन लोग बहुत ही अच्छी तरह से वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। 14 फेब एक दिन प्यार की ना। अबे थोड़ा ज्यादा क्रिंज हो रहा है यार अभी इसमें। बट इट्स फेब्रुअरी, लव इज इन द एयर, ओह डियर लव। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग ने वैलेंटाइंस डे को कतई वैलेंटाइंस वीक बना दिया, मतलब एक दिन में पेट नहीं भरने वाला है, कतई 2 हफ्तों तक चलती है इनकी सेलिब्रेशंस। और ये सब ये कॉलेज के वेले लॉन्डो का काम है। अब देखो कॉलेज में क्या होता है, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, पढ़ाई करने कोई कॉलेज जाता नहीं है और एक दिन क्रिंज फैला के पेट भी भरता नहीं है, तो क्या करे। पूरे 7 दिनों तक अलग अलग स्टाइल शेप फॉर्म में हगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर हगू नाका बेस्ड इन हगू लैंड, एवरी ईयर हगू पासेस थ्रू फेब्रुअरी एंड स्प्लिट्स इनटू 7 मेजर कंपोनेंट्स। और आज हम लोग उन्हीं 7 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर हगू राम जिनके वजह से ये वीडियो आज बन सका। लेट्स बिगिन। तो वैलेंटाइंस वीक में सबसे पहले आता है रोज डे, यानी कि गुलाब दिवस। अब रोज डे में आपको क्या करना है, आपको आपकी वाली को फूल देना है, गुलाब का फूल जो लेकर पता नहीं उसको क्या मजा आने वाला है। मतलब ऑनेस्टली मुझे ये फूल देने का लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया, मतलब क्या मजा आता है फूल देके। तो अगर आप एक लड़की हो और आपको ये पसंद है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको फूल दे, प्लीज कमेंट करके मुझे समझाओ कि क्या मजा आता है। अब पता है कुछ लोग बोलेंगे कि उसका बॉयफ्रेंड उसको फूल दे रहा है तो व्हाट गोज योर बापूस। रोनी, व्हाट गोज योर बापूस। देखो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे भले हमारे बापू का कुछ आए या ना जाए बट हमें हर जगह उंगल करना है, दैट इज व्हाट मेक्स अस इंडियंस, समझ गए। एनीवे अगला दिन है प्रपोज डे। एक सेकंड, अभी तक प्रपोज नहीं किया क्या, और जाकर गुलाब भी दे के आ गया, कमाल है भाई। तो जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, दूसरे दिन आपको आपकी वाली को आपकी वाली बनाना है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस, मतलब आपको उसे प्रपोज करना है। जी हाँ, ये वही प्रतिक्रिया है जो करने से आधे लोग की ऐसी फट जाती है। और जो बंदा गलती से रैम्बो बनकर सीधा हेड फर्स्ट इस आंख में उड़ी मार लेता है, उसके साथ कोई भी 2 चीज होगा, या तो वो ब्लॉक होगा या तो वो बंदा 6 दिन बाद अपने सर पे सड़े हुए अंडे खाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, प्रपोज करना इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब देखो अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो वो आपको स्ट्रिक्टली छक मार के 8 तारीख को करना है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को आपको एक अलग स्टाइल में हगना है। तो अगला आता है चॉकलेट डे। सूत्रों के मुताबिक इस दिन आपको आपकी वाली को चॉकलेट देना होता है। एक सेकंड, अभी तक चॉकलेट नहीं दिया, मतलब प्रपोज करने के पहले रोज दे सकता है बट चॉकलेट नहीं दे सकता, मतलब इसी दिन चॉकलेट क्यों देना है। सही है यार, कैडबरी वालों का तो खतरनाक धंधा होता रहेगा उस दिन। अगला आता है टेडी डे। यार कितना क्रिंज भर सकता है कोई 1 हफ्ते के अंदर। बट इट्स फेब्रुअरी, लव इज इन द एयर, ओह डियर लव। भाई क्रिंज की मात्रा बर्दाश्त से बाहर जा रही है मेरे। तो टेडी डे ये वही दिन है जब आपको आपकी वाली को टेडी बेयर देना होता है, मतलब दुनिया में कितने भी अलग अलग टाइप के गिफ्ट क्यों ना हो पर आपको उसे टेडी बेयर ही देना है। ओके, सो रिकॉर्डिंग के बीच मैं थोड़ा सा पानी पीने गया था और पूरा पानी मेरे शर्ट पे गिर गया, और मुझे कपड़ा बदलना पड़ा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है प्रॉमिस डे। अब ये साल का वो इकलौता दिन है जब आप आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करोगे। जी हाँ, यही वो दिन है जब आपको पूरे साल के प्रॉमिस का कोटा खत्म करना है। इस दिन के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हो। ना ना, कतई नहीं, पाप लग जाएगा डोरेमोन का। और ये नीला डुक्कर बहुत ही गंदा वाला पाप देता है। आर यू घबरेंगे। देख स्टंट, देख स्टंट, देख स्टंट, देख। अरे भाई क्या हो गया? सीधा हो गया, सीधा हो गया। बॉम्ब गाड़ी के ऊपर। अगर इस दिन के बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको खोपचे में लेके बोलती है मेरे को प्रॉमिस कर लो दिल्ली में तुमसे बात कर लूंगी, तो तुम सबसे पहले उसको 2 गमला भर के रिस्पेक्ट फेंक के मारो। बिकॉज यू रिस्पेक्ट वैम। और फिर उसको समझाओ कि ना बेबी ना, नीला डुक्कर पाप देगा। तब उसके बाद आता है मेरा पर्सनल फेवरेट डे, द हग डे या हग डे। हगू नका, हगू नका, हगू नका। ये वही दिन है जब आप दोनों को पहली बार एक साथ बैठ के हगना है। फील द सुगंध। ओह क्या मायला सरसों का साग खा के आई तू। ये पवित्र प्रतिक्रिया आप दोनों के एक होने की निशानी है। ऑलवेज रिमेम्बर, अ कपल हू हग्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। हाँ बोल, क्या इंग्लिश वाला हग? हाँ वही ना, वेस्टर्न टॉयलेट, मस्त सोफा जैसा बैठ के हगने का। डिक्शनरी खोलू, अच्छा रुक। स्क्वीज समवन टाइटली इन वन्स आर्म्स, टिपिकली टू एक्सप्रेस अफेक्शन। ओह अब समझा। तो हग डे पर आप दोनों को एक साथ हगना नहीं है, वो किसी और दिन कर लेना। बट याद रखना, ब्रीद इट इन, सुगंध, और नो सरसों का साग। ओके। तो हगने के बाद आता है किस डे। मतलब हग के किस डे नहीं, किस डे। चुम्मा दिवस, चुम्मा चुम्मा दे। हाँ वही, ये वही दिन है बच्चों जब आप पहली बार, बस ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं इस विषय में, बस यही समझ लो कि कुछ निजी कर्म होंगे इस दिन जिसके बारे में हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि निजी जिंदगी में उंगल नहीं। अब ऐसे ही 7 दिनों तक अलग अलग स्टाइल शेप फॉर्म में हगने के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट दिन। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, द वैलेंटाइंस डे। अब मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं कि इस दिन करना क्या है। मतलब सीरियसली, रोज ऑलरेडी दे दिया, प्रपोज भी कर दिया, चॉकलेट और टेडी भी दे दिया, प्रॉमिस भी कर लिया, हग भी दिया, और 1 दिन पहले किस भी कर लिया। तो करना क्या है 14th को? नहीं, मतलब और कुछ कसर बाकी है और कुछ हगना बाकी है तुम लोग को इस दिन के लिए। तो अब ऐसे ही 8 दिन बीत गए, वैलेंटाइंस डे हो गया, बट साला 8 दिन हगने के बाद भी इन लोग का पेट नहीं भरा। इन लोग को और भी हगना है, इसीलिए वैलेंटाइंस डे के 1 हफ्ते बाद तक का पूरा शेड्यूल रेडी। यस माय फ्री, हगू अभी बाकी है मेरे दोस्त। 15 तारीख को होता है स्लैप डे। मतलब पता नहीं खुशी में थप्पड़ मारना है या गुस्से में थप्पड़ मारना है। तो अंतरराष्ट्रीय चमाट दिवस के दिन आपको चमाट पे चमाट मारना है। उसके बाद 16 को आता है किक डे। अब मैं जेन्युइनली डाउट कर रहा हूँ कि ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है या WWE वीक। साला चमाट भी मार दिया, किक भी मार दिया, अभी अगला क्या है? चॉक स्लैम डे, पेडिग्री डे, ओह परफ्यूम डे। तो क्या करना है इस दिन? परफ्यूम लगाना है। पर क्यों इसी दिन? क्यों? हम तो भाई रोज लगाते हैं। मे भी शायद स्लैप और किक मारने के बाद बहुत पसीना आ गया होगा, इसलिए थोड़ा बदबू आ रहा है, थोड़ा फुस फुस मार के थोड़ा सा, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि अगला दिन है द फ्लर्टिंग डे। और अगर आपके बदन से बदबू आ रही है तो आप फ्लर्ट कैसे करोगे मेरे दोस्त। इसके बाद आता है द कन्फेशन डे। अब यहाँ तक मेरे बोलने का और क्रिंज सहने का लिमिट मतलब एकदम लेवल तक आ चुका है। अगला है मिसिंग डे। अब सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मिसिंग डे सीरियसली मतलब झक मार के उसने आपको बैठ के मिस करना है। गोटिया ये लिस्ट जो बना उसको उठा के लेके आ भाई, तवे मार के सर फोड़ दूंगा उसका मैच। और आखिरकार फाइनली आता है द ब्रेकअप डे। बस खुश हो गया, अब जाओ सब लोग अपने घर पे जाओ और आराम से सो जाओ। चलो चलो गोटे तू भी जा सो जा। साला एक इंसान कितना हग सकता है उसका एग्जांपल आपको सिर्फ वैलेंटाइंस वीक ही दे सकता है। मतलब कतई अपार मात्रा है ये तो। सो एनीवे, ये मेरे एक दिन क्या यार, पूरे साल भर के क्रिंज का लिमिट है ये मेरा, और इससे ज्यादा मैं एक वीडियो में सहन भी नहीं कर सकता हूँ। आज का वीडियो यही पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो देखे तुमको जीवन का आनंद मिला है तो निश्चित वीडियो को लाइक मार दो। और अगर तुमने मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर फॉलो करो @TheRawKnee। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको जाकर मार दो मगर प्यार से। The RawKnee Show, बाय बाय।